क्रिस्पी क्रंची मसालेदार कमल ककड़ी आज हम तैयार करेंगे, जिसको भे भी कहते हैं। बहुत ही यम्मी स्नैक बनकर तैयार हुआ है। तो सबसे पहले इसको पील करेंगे और ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे। दो से तीन बार पानी में वॉश करेंगे अच्छे से और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐड करेंगे दो से तीन बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, ग्रीन चिली एंड धनिया डालकर कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इन सबको और ये मसालेदार कोटेड हो चुकी है। एक तरफ ऑयल को गरम करेंगे और इसको डीप फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए इसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्लेट में और एक तरफ हम तड़का लगाते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, गार्लिक सॉटे करेंगे, थोड़े से चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिली और ड्राई मसाले डालकर और वाइट तिल और धनिया डालकर भून लेंगे हल्का सा। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इधर कमल ककड़ी भी क्रंची हो चुकी है। इस मसाले में इसको मिक्स करेंगे और गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी स्नैक बनकर तैयार है। चाहे तो आप इसको बिना तड़के के भी बना सकते हैं। सो एंजॉय।